हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो जैसा कि मैंने कल कम्युनिटी में पोस्ट डालकर बता दिया था कि मैं एक साइंस की नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, एनडीए, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 600 क्वेश्चंस इसमें होंगे या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और वो टोटल अलग अलग करके पार्ट्स में आएगी सीरीज़। हर एक सेट में 30 क्वेश्चंस होंगे और ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है, तो इसकी भी टेंशन आप लोग छोड़ दीजिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, बाइलिंगुअल है। ओके, और सारे क्वेश्चन जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स से भी कुछ उठाया है मैंने और अलग अलग जगह से मैंने इसको रखा है आपके लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमेशा रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, वो तो आपको देखने के बाद पता चल जाएगा। शुरू करेंगे, इसकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगा जिसमें कि आपको सारे ही पार्ट्स अवेलेबल होंगे और डेली इसी टाइम पे ये सेट आएगा आपके लिए। शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बोलूंगा कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके स्टडी विद अभिषेक फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाना। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, PDF एंड और सारी डिटेल्स के लिए वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। चलो देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। मैं सिर्फ हिंदी वाला पढ़ूंगा और इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ूंगा, आप लोग पूरा पढ़ सकते हो और देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऐसे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अप्रत्यास्थ टक्कर के दौरान संरक्षित नहीं रहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग एन इनइलास्टिक कॉल्यूजन? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पूछा गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गतिज ऊर्जा, जो किनेटिक एनर्जी होती है, ये क्या होता है, ये अप्रत्यास्थ टक्कर के दौरान संरक्षित नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर टू है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिकतम कहाँ होता है, ये बताना है हमें। वेयर विल द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड बी मैक्सिमम? पृथ्वी के केंद्र पर, भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर और प्रत्येक जगह पे? इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्रुवों पे जो है वो अधिकतम होता है, याद रखना। अगला सवाल, बैरोमीटर के पारे के स्तंभ का एकाएक गिरना किसका द्योतक है, यानी कि इससे क्या हमें पता चलता है, और इसका सही आंसर हमें बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आंधी का, मौसम में बदलाव होगा, तेज आंधी आएगी, इसी का ये द्योतक है, यही ये दिखाता है, दर्शाता है, बैरोमीटर के पारे के स्तंभ का एकाएक गिरना। ओके, चौथा नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक यंत्र इनमें से किस पर आधारित है ये बताना है। द हाइड्रोलिक डिवाइस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी पास्कल का नियम। हाइड्रोलिक यंत्र जो होते हैं ये पास्कल के नियम पर आधारित हैं, यानी इट्स बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। ओके, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, एक मनुष्य जो है, ठीक है, एक मनुष्य रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, स्टेशन की ओर आती हुई एक रेलगाड़ी सीटी बजा रही है, तो क्या होगा? अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म, अ ट्रेन कमिंग टुवर्ड्स द स्टेशन इज विस्लिंग, तो इसमें क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी वास्तविक आवृत्ति से अधिक। देखो, जब भी आपको चीज बता देता हूं कि वास्तविक आवृत्ति से अधिक तब सुनाई देगा जब ट्रेन आ रही है, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, आती हुई ट्रेन सीटी बजा रही है, तो वो वास्तविक आवृत्ति से अधिक सुनाई देगी, जब जा रही है तो वो वास्तविक आवृत्ति से कम सुनाई देगी, यह ध्यान रखना। अगला सवाल, घरों में अर्थिंग का उपयोग क्यों होता है? तो आपके घर में भी जरूर अर्थिंग का उपयोग होता होगा, व्हाई इज अर्थिंग यूज्ड इन होम्स? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयोगकर्ता के सुरक्षा के लिए, यानी हमारी सुरक्षा के लिए ही हमारे घरों में अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इससे हम सुरक्षित रहते हैं, फॉर द सेफ्टी ऑफ द यूजर। ओके, क्वेश्चन नंबर सेवन है, साइक्लोट्रॉन एक यूनिट है, ठीक है, साइक्लोट्रॉन इज अ यूनिट ऑफ, यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आयनों का वेग बढ़ाने के लिए। साइक्लोट्रॉन एक यूनिट है, वो आयनों का वेग बढ़ाने के काम में आता है, टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ आयन्स। साइक्लोट्रॉन इज अ यूनिट ऑफ टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ आयन्स। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर एट, नाभिकीय संयंत्रों में भारी जल का उपयोग क्यों किया जाता है?
हेवी वाटर इज यूज इन न्यूक्लियर प्लांट्स बिकॉज ऑफ, क्यों होता है ऐसा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि न्यूट्रॉनों की गति कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? भारी जल का। अब आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं, भारी जल का किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? मंदक, शीतलक, ईंधन, किस तरीके से प्रयोग किया जाता है भारी जल का, ये आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और भारी जल को कैसे सूचित किया जाता है ये भी आप जरूर बताना, और अपना स्कोर भी बताना, फाइनल स्कोर। 30 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर पर रेडियो एक्टिव प्रभाव को कैसे मापा जाता है? द रेडियो एक्टिव इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी इज मेजर्ड इन क्यूरी, बैकरेल, रोंटजेन और इनमें से कोई नहीं। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसका आंसर क्यूरी होगा, बैकरेल होगा, लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि रोंटजेन। ध्यान से सुनना, मनुष्य के शरीर पे जो रेडियो एक्टिव प्रभाव है ना, उसे इसी के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? रोंटजेन के द्वारा मापा जाता है। अगला सवाल, पाइप में द्रवों का प्रवाह नापने के लिए एक यंत्र होता है जो कि वेंचुरी मीटर है, वो किस पर आधारित है? वेंचुरी मीटर एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द फ्लो ऑफ लिक्विड्स थ्रू अ पाइप इज बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस्ड है? बर्नौली का प्रमेय, आर्किमिडीज का नियम, पास्कल का नियम और स्टॉक का नियम, ये किसके ऊपर जो है आधारित है? 10 नंबर का सही जवाब, 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बर्नौली प्रमेय, बर्नौली के नियम पर आधारित है पाइप से द्रव्यों का प्रवाह नापने के लिए वेंचुरी मीटर। ओके, अगला सवाल हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा कैसे पहुंचती है? ये सवाल भी पूछा गया हमेशा एग्जामिनेशन में, हाउ डज हीट रीच फ्रॉम द सन टू अर्थ, ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल विकिरण के द्वारा जो है वो सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा पहुंचती है। किसके द्वारा? केवल विकिरण के द्वारा। अगला सवाल, द्रव्य की बूंद का गोलीय आकार धारण करने का कारण क्या है? ओके, तो द्रव की जो बूंद है ना वो गोलीय आकार धारण कर लेती है, इसका मेन रीजन क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और 12 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृष्ठीय ऊर्जा को कम से कम रखने के लिए, यानी जो पृष्ठीय ऊर्जा होती है ना उसको कम रखने के लिए द्रव की बूंद का आकार गोलीय हो जाता है या गोलीय आकार धारण कर लेती है द्रव की बूंद। ओके, अगला सवाल 13 नंबर, किस ताप पर वायु में ध्वनि का वेग 60 डिग्री सेल्सियस के वेग का 1.5 गुना होगा? ठीक है, ये हमें बताना है, एट वॉट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बी 1.5 मीटर द वेलोसिटी ऑफ 7 डिग्री सेल्सियस, क्या होगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का? और इसका जो सही जवाब हो जाएगा 13 नंबर का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 357 डिग्री सेल्सियस, इस ताप पर 7 डिग्री सेल्सियस के वेग का 1.5 गुना ये होगा, ये याद रखना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14, एक तड़ित चालक जो है वो किस पे कार्य करता है? लाइटनिंग कंडक्टर वर्क ऑन, किस पे कार्य करता है तड़ित चालक, ये आपको बताना है और इसका सही आंसर हो जाएगा 14 नंबर का ऑप्शन बी, यानी कि प्रेरण के ऊपर कार्य करता है। तड़ित चालक जो होता है ये प्रेरण के ऊपर कार्य करता है, ये प्रेरण के ऊपर जो है वो इसका पूरा वर्क होता है, यानी लाइटनिंग कंडक्टर वर्क ऑन इंडक्शन। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15, दो समांतर लंबे तारों में समान प्रबलता की एक इकाई की एक ही दिशा में दिष्ट धारा बह रही है, दोनों तार, इन टू पैरेलल लॉन्ग वायर्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ डायरेक्ट करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, क्या होगा इसका सही जवाब? 15 नंबर का ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आकर्षित होंगे। दो समांतर लंबे तार हैं, ठीक है, वो समान प्रबलता की एक ही दिशा में उनमें दिष्ट धारा बह रही है, दोनों तार जो है ना वो आकर्षित होंगे, यानी वो अट्रैक्टेड होंगे, ध्यान रखना है एक दूसरे से। अगला सवाल 16 नंबर, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उभय निष्ठ गुण है, क्या है? सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उभय निष्ठ गुण क्या है? वॉट इज
द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्शंस आपके सामने हैं, और 16 नंबर का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चाल। चाल जो है सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उभयनिष्ठ गुण है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17, वाहनों में पीछे की ओर देखने के लिए, कहाँ पीछे देखने के लिए वाहनों में प्रयोग किया जाने वाला दर्पण कौन सा है? द रियर व्यू मिरर्स यूज्ड इन व्हीकल्स आर समतल, अवतल, उत्तल और इनमें से कोई नहीं। कौन सा दर्पण यूज किया जाता है वाहनों के में पीछे देखने के लिए ड्राइवर के द्वारा, जो होता है ना साइड मिरर के रूप में, वो किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 17 नंबर का ऑप्शन सी, यानी कि उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ये देखने के लिए, क्योंकि ये छोटा होता है लेकिन ये प्रतिबिंब जो है वो बड़ा बनाता है, और वो जो फिगर है वो बड़ा बनाता है, दैट इज वाई उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, याद रखना। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18, धनात्मक किरणें किससे बनी होती हैं? क्या धनात्मक किरणें जो होती हैं किससे बनी होती हैं? वाटर पॉजिटिव रेज मेड ऑफ, ये आपको बताना है, प्रोटॉनों से, धनात्मक आयन से, अल्फा कण और इनमें से कोई नहीं। इसका 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक आयन से बनी होती हैं धनात्मक किरणें, यानी पॉजिटिव रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव आयन्स, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है, कोणीय संवेग की विमा इनमें से किसके समान है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन आपके सामने हैं 19 नंबर सवाल का, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 19 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्लांक नियतांक, ये बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। कोणीय संवेग की विमा किसके समान है? प्लांक नियतांक के समान है, प्लैंक का जो कांस्टेंट है उसके बराबर है, इक्वल है, ये आप ध्यान रखना, कौन सा? कोणीय संवेग की विमा, ओके 19 नंबर का। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 20, आपतित विकिरण की आवृत्ति बढ़ने से क्या होता है, ये पूछा गया है। बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ऑप्शंस आपके सामने हैं 4, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्या होती है? द किनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, क्यों? आपतित विकिरण की आवृत्ति बढ़ने से। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल, पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक प्रयोग में लाया जाता है या उसका प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया है यहाँ पे, ध्यान से देख लो। विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्यूजर इज यूज्ड फॉर पेट्रोल फायर्स, तो पेट्रोल से अगर आग लग जाती है तो वो कौन सा फायर एक्सटिंग्यूजर यानी कि अग्निशामक जो है वो प्रयोग में लाया जाएगा? इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी झाग वाला, यानी जो फोम वाला होता है, फोम्ड एक्सटिंग्यूजर होता है, वहीं प्रयोग में लाया जाता है, पेट्रोल से अगर आग लगेगी तो वहीं प्रयोग में लाया जाएगा। ओके, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह क्या होगा, ये बताना है। सोडियम का टुकड़ा है उसे पानी में डाला जाता है तो वो क्या होगा? इफ अ पीस ऑफ सोडियम इज एडेड टू वाटर इट विल डूब जाएगा, धुआं देगा, तैरता हुआ जलने लगेगा और तैरता रहेगा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी तैरता हुआ जलने लगेगा सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो। ओके, अगला सवाल, आजकल सड़क की जो रोशनी होती है ना, सड़क लाइट्स यानी जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, उसमें पीले लैंप बहुत ही ज्यादा तरीके से प्रयुक्त होते हैं। इन लैंपों में क्या होता है, किसका उपयोग करा जाता है? नाउ और डेज येलो लैंप्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन रोड लाइटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन दिस लैंप्स, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, वैसे ऑप्शन है सोडियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और नियॉन। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे नियॉन होगा इसका जवाब, लेकिन इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी सोडियम का प्रयोग किया जाता है इन लैंप में, दैट इज वाई ये पीले जलते हैं, जो पीले कलर के रोशनी प्रदान करते हैं हमें। ओके, अगला सवाल, सवाल नंबर 24 है कि शून्य समूह में रखे गए यानी जो जीरो ग्रुप में रखे जाते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, उन तत्वों को? बाई वॉट नेम आर द एलिमेंट्स प्लेस्ड इन जीरो ग्रुप आर नोन, हेलोजन, मृदा धातुए, क्षार धातुए, निष्क्रिय तत्व, इसका सही जवाब हो जाएगा 24 नंबर का
ऑप्शन डी यानी कि निष्क्रिय तत्व यानी पैसिव एलिमेंट्स निष्क्रिय तत्व के नाम से जाने जाते हैं शून्य समूह में रखे गए सारे तत्व। याद रखना। अगला सवाल, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है ये बताना है। लोहे का शुद्धतम रूप हमें बताना है कि क्या होता है। द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज स्टील, स्टेनलेस स्टील, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पिटवा लोहा जो होता है ना, ये लोहे का शुद्धतम रूप होता है। पिट आयरन जो होता है, ओके, पिटवा लोहा लोहे का शुद्धतम रूप हो जाता है। अगला सवाल है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है। ठीक है, विच मेटल इज मिक्स्ड टू कन्वर्ट आयरन इनटू स्टील। बहुत सारे मेटल को मिलाया जाता है, बहुत सारी धातुएं मिलाई जाती हैं, लेकिन उनमें से जो इंपॉर्टेंट है, जो मिलाई जाती है, उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मैंगनीज। मैंगनीज को भी मिलाया जाता है, वन ऑफ द धातु है जो कि मिलाई जाती है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए, कौन सी, मैंगनीज। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 27, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है उसमें। ठीक है, किसको मिलाया जाता है स्टील को कठोर बनाने के लिए। स्टील इज विच इज एडेड टू प्रोवाइड स्टील हार्डनेस, मैंगनीज, कार्बन, सिलिकॉन और क्रोमियम। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कार्बन की मात्रा से ही स्टील जो है वो कठोर हो जाता है। कार्बन को मिलाया जाता है स्टील को कठोरता देने के लिए, याद रखना। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 28 है, किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है। ओके, अप्लाइंग ऑफ विच सब्सटेंस स्टॉप्स द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द कट ऑफ प्लेस। ओके, फेरिक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और उसके बाद है सोडियम क्लोराइड। इसका जो सही जवाब हो जाएगा 28 नंबर का वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड जो है ये लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है। और साथ ही साथ आपसे एक सवाल है कि फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देना। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग मानवों द्वारा सबसे पहले किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वॉज फर्स्ट यूज बाई ह्यूमन्स, लोहा, चांदी, सोना और तांबा। किसका प्रयोग किया गया सबसे पहले। 29 नंबर का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि तांबा। तांबा का प्रयोग सबसे पहले, कॉपर का प्रयोग सबसे पहले किया गया था मानव द्वारा। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग इसी धातु का किया गया था। ओके, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से जो है कौन सा धातु पीतल, कांस तथा जर्मन सिल्वर, इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान होता है। एमवीफियन कॉम्पोनेंट होता है उभय घटक का, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ब्रास, ब्रॉन्ज एंड जर्मन सिल्वर एग्जिस्ट एज एन एम्बिफियन कॉम्पोनेंट इन ऑल ऑफ देम। ये आपको बताना है, इसका सही जवाब क्या होगा, तांबा, जस्ता, टीन और सोना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो तांबा होता है ना, ये सब में विद्यमान होता है उभय घटक के रूप में। ये कौन सा, तांबा यानी कॉपर जो होता है, ये ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, ये सब में एग्जिस्ट करता है एम्बिफियन कॉम्पोनेंट के रूप में। ध्यान रखना आप लोग इस सवाल का जवाब। ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। ये पहला प्रैक्टिस सेट था, फर्स्ट, बहुत ही सुपर तरीके से डिजाइन करा है मैंने, अच्छे से तैयार किया है। टोटल 600 क्वेश्चन या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ये सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। एक दिन भी इस क्लास को मिस मत करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, क्लासेस मेरी अनअकैडमी पे भी चल रही हैं, यानी वहां पे भी काफी ज्यादा प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ, काफी ज्यादा आप लोगों को क्लियर करा रहा हूँ कॉन्सेप्ट को। क्लासेस टाइमिंग जो है अनअकैडमी पे, ध्यान से सुन लेना, थोड़ा टाइम ही बचा है। जनरल साइंस की क्लास सुबह के 10 बजे मैं लेके आता हूँ, लाइव होती है ये क्लास, ठीक है। दूसरी क्लास होती है जीके की, ये प्रचंड सीरीज चल रही है 12 PM पर, ठीक है। इसको करने के बाद कोई दिक्कत नहीं होने वाली है जीके में। रीजनिंग की क्लास 2 PM पे चलती है, लेकिन डेली लिखा है मैंने, कभी कभी गैप भी हो जाता है इसमें। लेकिन ये जो रात के 8 बजे जीके तीव्र दिख रहा है, ये भी नया सीरीज है, इसको ज्वाइन करके जो छूटा हुआ होगा आपका वो क्लियर कर सकते हो। ये 8 PM पे डेली चलती है। तो ये जो 3 क्लासेज हैं, 10 बजे, 12 बजे और रात के 8 बजे, ये डेली चलती हैं। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहता हूं कि यहां पे देख लो, ये जो है ये मेरा चैनल है स्टडी विद अभिषेक, टेलीग्राम पर भी, टेलीग्राम पर भी सेम नेम से है स्टडी विद अभिषेक। तो आप इस चैनल को भी
वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो, कहां पे, टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो स्टडी विद अभिषेक चैनल को, वहां पे जरूर ज्वाइन करो, सपोर्ट दिखाओ भाइयों, और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन कर सके हमें और वो भी इसका फायदा उठा सके। इसका पीडीएफ चाहिए तो भी आपको टेलीग्राम पर ही ज्वाइन करना होगा। अभी के लिए इतना ही, होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपना ख्याल रखना, कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर और जो क्वेश्चंस मैंने बीच बीच में पूछा है उसके जवाब जरूर लिखकर भेजना। अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखो, थैंक यू सो मच एवरीवन।